नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले सभी इन 24 न्यूज देखने वाले दर्शकों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं गणेश चतुर्थी की, क्योंकि गणेश जी का आगमन हो चुका है। सभी तैयारियों के साथ गणेश जी को लोगों ने अपने घरों में स्थापित किया है। बात की जाए गणपति की तो कई सारी दिशा निर्देश जो है वो सरकार ने जारी की है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान लोगों में अब भी कोरोना का भय मौजूद है और इसी बीच गणेश जी के आगमन के लिए कई दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए। इसी बीच लोगों ने भी हर्षोल्लास के साथ गणेश जी का आगमन किया, गणेश जी का स्वागत किया अपने घरों में। हालांकि लोग थोड़े से नाराज, नाखुश या फिर कहे कि कहीं ना कहीं दुख है कि गणेश जी की जिस तरह से हर साल वे स्वागत करते हैं, इस बार वो नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना की वजह से कई दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं जिसका पालन करना ज़रूरी है और उसकी तस्वीरें देखने को भी मिल रही है। लोगों ने अपने घरों पे जिस तरह से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी दिशा निर्देश के अनुसार लोगों ने अपने घरों में गणपति जी को स्थापित किया है और साथ ही साथ सभी नियमों का पालन करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में गणेश चतुर्थी का पर्व का धूम चारों तरफ देखने को मिल रहा है। आरती से लेकर मंगल गायन किया जा रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश का जन्म हुआ था। इस त्यौहार की धूम सबसे अधिक महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। हालांकि इस बार कोरोना के मद्देनजर सतर्कता बढ़ती जा रही है। पांडाल सजाने के बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। गणपति बाप्पा का कैसे किया जा रहा है पूजन, वो तस्वीरों में देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ हालांकि भीड़ नहीं है क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने की मनाही जो है वो की गई है। लोगों को भीड़ इकट्ठा करने नहीं का जो आदेश है वो दिया गया है और लोग भी इसका पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ मास्क अनिवार्य कर दिया गया है और मास्क लोग जो है वो पहनते हुए नजर आए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन लोग करते नजर आए। सरकार ने गणेश उत्सव आयोजन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत प्रतिमा स्थापित किए जाने से पहले और विसर्जन के दौरान जुलूस नहीं निकाला जाएगा। साथ ही साथ सार्वजनिक मंडल और घरों में स्थापित की जाने वाली गणेश प्रतिमाओं की ऊंचाई 4 फीट और 2 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन चीज़ों का पालन जो है वो लोग कर रहे हैं। सभी मंडलों को नगर निगमों और साथ ही साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित नीतियों की तर्ज पर ही मंडप स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक मंडलों या फिर लोगों द्वारा घरों पर की जा रही प्रतिमा स्थापना के दौरान सजावट को लेकर बहुत तामझाम न करने की हिदायत भी दी गई है। सरकार ने कहा है कि लोगों को इस बार परंपरागत प्रतिमा स्थापित करने के बजाय यथासंभव धातु, साथ ही साथ संगमरमर या फिर अन्य तत्वों से बनी प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि मिट्टी या पर्यावरण अनुकूल सामग्री से बनी प्रतिमाओं को घर पर ही विसर्जित किया जाना चाहिए। तो तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उसी के अनुकूल लोग भी दिशा निर्देशों को मानते हुए अपने घर पर गणेश जी को स्थापित किए हैं और सभी ये मनोकामना कर रहे हैं कि इस बार गणेश जी अपने साथ जो कोरोना इस देश में छाया हुआ है, इस दुनिया पर छाया हुआ है, उसे अपने साथ लेकर चले जाए। वहीं बात करें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तो उन्होंने भी अपने घर पर जो है वो गणेश जी को स्थापित किया और वहां पर पूजा की गई। कोरोना संक्रमण के बीच शनिवार को महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। मुंबई पुणे समेत राज्य के सभी गणपति पंडालों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखकर बप्पा की स्थापना की जा रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा में पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य और तेजस ठाकरे के साथ गणपति की प्रतिमा स्थापित की। इस दौरान पुजारी के अलावा कुछ ही लोग यहाँ पर मौजूद हुए, तस्वीरों में जो आप साफ देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस मौके पर नागपुर स्थित अपने घर पर बप्पा की प्रतिमा की स्थापना जो है वो की है और साथ ही साथ इसमें परिवार के ही लोग शामिल हुए। सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गणेश जी की स्थापना की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने अपने सरकारी आवास वर्षा में गणेश जी को स्थापित किया है। तो गणेश जी की स्थापना की जा चुकी है और मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं किस तरह से अपने जो सरकारी आवास है वर्षा में उन्होंने गणेश जी की मूर्ति को स्थापित की है और यहाँ पर पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं, प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोरोना का खौफ, जो कोरोना का साया महाराष्ट्र पर छाया हुआ है वो दूर हो जाए। तो गणपति की धूम चारों तरफ देखने को मिल रही है। बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र में चारों तरफ इसकी गूंज देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी साफ सामने आ रही है जिसमें लोग सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो गृह मंत्री की ओर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री की ओर से, उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो कोरोना की वजह से ये दिन देखना पड़ रहा है वो कोरोना भी खत्म हो जाए। इस पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करते हैं शिवसेना के नेता जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, रविंद्र वाइकर जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं वो किस तरह से गणेश जी को लेकर किस तरह से तैयारियां उन्होंने की है और साथ ही साथ किस तरह से गणपति जो त्यौहार है उसे मना रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से गणेश जी का आगमन हो चुका है, किस तरह की तैयारियां है आपकी? ये आनंद चतुर्थी है जी, गणेश चतुर्थी उसको बोलते हैं जी, और इस गणेश चतुर्थी के अंदर गणपति का आगमन होता है जी। ये हमारे हिंदुओं का और महाराष्ट्रीयन लोगों का बहुत बड़ा फंक्शन होता है, त्योहार होता है। बिल्कुल, इसके अंदर गणपति आते हैं, गणपति के बाद गौरी आते हैं, उसकी पूजा की जाती है जी, और बाद में उसके विसर्जन किया जाता है 12 दिन के बाद, जैसा उनका दिन होता है उसके वैसे व्यवहार से जी। मगर आज देश में आप देख रहे हैं, देश में, राज्य में जी और पूरे वर्ल्ड में जी कोरोना जैसे विषाणु का फैला हुआ है जी, और उसी वजह से सब प्राणी मात्रा जी त्रस्त है जी। तो भी हम हमारा फंक्शन तो करेंगे ही, करते ही रहेंगे। बिल्कुल, आज गणपति बप्पा को मैं विघ्नहर्ता कहते हैं हम लोग सब। बिल्कुल, तो ये जो विघ्न है हमारा वो निकल जाना चाहिए जी। हर घर में, घर में, हर पेंडॉल में गणपति बड़े उत्साह से होता था, मगर आज हम देख रहे हैं कि जो नियम है और नियम के अंदर ही हम लोग गणपति की पूजन कर रहे हैं। यानी सब समाज में, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, गुजराती हो, सिंधी हो, जो भी अभी फंक्शन थे इस बारे में जो मार्च के बाद भी अभी आए ले, तो हम लोग ने पूरे नियमों के साथ किया है। उसी प्रकार से गणपति का भी हम लोग जो उत्सव है वो नियमों को लेके, यानी केंद्र शासन, राज्य शासन, महानगर पालिका ने जो नियम रखा है उसके माध्यम से हम लोग ये फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। गणपति बप्पा बड़े उत्साह से आए हैं, मगर जो 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 रहता था ताशा ढोल ये वो सब नहीं है, उसको बाजू में रख के ही हम लोग हमारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो मेरी यही विनती है जी, गणपति बप्पा है, विघ्नहर्ता है। बिल्कुल, और विघ्नहर्ता होने के नाते ये सब विघ्न वो लेके ही जाएंगे अभी, और इसीलिए ये विघ्न लेके जाने के लिए हमने भी गवर्नमेंट के जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पालने होंगे। डिस्टेंस रखना है, हाथ सफा करना है, ज्यादा भीड़ भाड़ में जाना नहीं, आरती भी घरों के अंदर करना है और किसी का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, अरे अपने को भी बचाना है। बिल्कुल, और गणपति बप्पा का उत्सव भी हम लोग अच्छी तरह से करेंगे। तो मेरे विभाग के, मुंबई के, महाराष्ट्र के और देश के जो भी गणपति बप्पा आए जी उनको नमन करता हूँ और बहुत बहुत जब सभी जनता को शुभेच्छा देता हूँ कि ये गणपति बप्पा अपना विघ्न हरण करे और हमें खुश रखे और ये जितना जल्दी है हो सके उतना जल्दी लस आके ये सबको सबको एक जीवदान मिले, इसी तरह से प्रार्थना करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपके चैनल को, आपके चैनल को भी बहुत बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा रविंद्र वाइकर जी, एक चीज ये भी जानना चाहेंगे, आप हर बार अपने विभाग में गणेश विसर्जन के लिए तैयारियां करते हैं, इस बार किस तरह की तैयारियां की जा रही है आपकी ओर से? इस बार गवर्नमेंट ने, यानी शासन ने, महानगर पालिका ने जो नियम किए हैं
बिलबावा पांच के ऊपर नहीं आना है, हमलन तालाब के ऊपर जो है जो निसर्ग निर्मित हमारी पहले से है, मैं जिस दिन से मेरे को मालूम है जोगेश्वर में आया है तभी से इस तालाब श्यामनगर तालाब के ऊपर हमारा विसर्जन होता है लोकमान्य तिलक श्यामनगर तालाब, वहाँ विसर्जन हम बहुत जोर झार से यानी लाखों के तादाद में लोग आते हैं, मगर ये टाइम लोग नियम है नियम के अंदर पांच ही आदमी आना चाहिए फिर ऑनलाइन करना है, तो हम लोगों ने एक नई स्कीम निकाली थी हमारे यहाँ भांदेकरवाड़ी के लिए लड़के है बाकी जो लड़के है उन्होंने ये किया है कि जो गणपति है वो अपने घर में उन्होंने लाके दिए है और उसके माध्यम से विसर्जन को जाने की जरूरत नहीं, एक कुंडी दी है कुंडी के अंदर एक पौधा दिया है उसके अंदर ही गणपति रखना है उसके अंदर पानी डालना है और पौधे को लगाना है, तो एक अच्छी संकल्पना उन्होंने लाई है। उसी प्रकार से बहुत सारे हमारे एरिया में कम से कम 33 हम लोग ने अलग अलग तालाब बनाए हर एरिया में, वो मैंने एक लिस्ट दी थी महानगर पालिका को कमिश्नर को और हमारे वार्ड ऑफिसर को, उसी प्रकार से 30-32 तालाब किए हैं, तो जितना नजदीक हो सके उतना नजदीक अपन विसर्जन करेंगे, यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो उसी प्रकार से हम सोशल डिस्टेंसिंग की जारी रखेंगे और ये विसर्जन का ये करेंगे और शांति से ये उत्सव अपना जो है वो प्यार से आनंद से गणराया का पूजन करके समाप्त करेंगे। जी इसके अलावा रविंद्र भाई का जी एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, ये बतौर गणेश भक्त कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है कि इस बार गणेश जी का आगमन जो है वो उतने हर्ष उल्लास से नहीं हो पा रहा है? सही बात है ये, जी ये विषाणु है, आदमी जिएगा तो ही अगले बार और जोर से लाएंगे ना, बिल्कुल हम लोग जिएंगे ही नहीं जी। ये जो विषाणु है वो देखता नहीं कितना बड़ा देश है कितना बड़ा राष्ट्र है कि वर्ल्ड है जी। इसने तो सबको कैद करके रखा है, बिल्कुल, तो इसीलिए जो नियम है हमें हमको बचा के ही हमें करना है सबके लिए जी। इसलिए जिस प्रकार से नियम रखा है गवर्नमेंट ने नियम रखा है मुंबई महानगर पालिका ने नियम रखा है कि अपनों अपने को खुद को स्वस्थ रख के बिल्कुल सही सुरक्षित रख के करना है जी, तो इसीलिए जरा जोर से नहीं करेंगे अगले साल करेंगे ना जी, आयु तो है ना आयु रहेंगे तो ही आगे करेंगे ना जी। हाँ तो सभी समझदारी से ही कर रहे हैं सब लोग और सब समझदार भी है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो शिवसेना के विधायक रविंद्र वाईकर हमारे साथ जुड़े हुए थे, वाईकर जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा जिस तरह से गणेश जी का आगमन हुआ है, हालांकि कोरोना काल की वजह से ये आगमन में कहीं ना कहीं जो है कमी जरूर लग रही है लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं ये मजबूरी है और जिसके वजह से लोगों को कोरोना काल के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है और लोग पालन भी कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के राज्य में जिस तरह से जो तैयारियाँ की गई है उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश जो पहले से जारी किए गए थे गृह मंत्री द्वारा, उनके आदेशों का पालन जो है वो किया जा रहा है और उसी के तहत सभी लोग जो है घरों पर और साथ ही साथ पंडालों में गणेश जी की स्थापना करते दिखाई दिए। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के नेता मुरजी पटेल जुड़े हुए हैं, सीधा उनकी ओर रुख करते हैं। मुरजी पटेल जी क्या कहना चाहेंगे, गणेश जी का आगमन काफ़ी भले ही शानदार तरीके से नहीं हुआ है लेकिन लोगों की उत्साह जो है वो देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं गणेश भक्तों को एक गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं और गणपति बापा से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं कि कोरोना संकट से जी इस महाराष्ट्र इस देश को बाहर निकाले, यही बापा से प्रार्थना है जी। दूसरी बात, हम अंधेरी ईस्ट में कार्यरत है, अंधेरी ईस्ट में 345 सार्वजनिक मंडल को जी हमने एक 4 फुट की गणेश बापा की मूर्ति जी मंडल को हम अपनी तरफ से दे रहे और 11 दिन का पूजा का सामान जी, क्योंकि गणेश मंडल कोरोना की वजह से जी आर्थिक संकट में है, तो हमारे से ज्यादा तो नहीं करे लेकिन अंदर ही इसके 345 मंडल को हमने मूर्ति और पूजा का सामान भेंट किया है जी। जी सर, इसके अलावा एक ये चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो गणेश भक्त है वो इस बार थोड़े मायूस जरूर है, क्योंकि जिस तरह से गणेश जी का आगमन होता है वो इस बार वो जो मौज है वो जो उत्साह रहता है वो थोड़ा सा कम हुआ है, आपको लगता है कि उत्साह कम नजर आ रहा है? जी बिल्कुल कम नजर आ रहा है, उसका कारण है सर कि ये कोरोना की वजह से तो परमिशन में भी काफी प्रॉब्लम है जी, मंडल में 10 ही जन रहना चाहिए डीजे या सारी मेहनत का सारी उसका परमिशन ही गवर्नमेंट ने दिया नहीं है जी, तो उसकी वजह से शांति से गणपति की पूजा हो यही हमारी शुभकामना सब मंडल को दे। गणेश भक्तों को किस तरह से उनको हौसला देंगे, किस तरह से उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जो गणेश भक्त अपने घर पर गणेश जी की स्थापना की है तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस गणेश भक्तों को एक ही मैं कहना चाहता हूँ कि
पापा से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हम ये कोरोना संकट से बाहर। जी जी मुरजी पटेल जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी, क्या क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? जी सभी गणेश भक्तों को मैं एक आज शुभकामना देना चाहता हूँ, और गणेश भक्तों को यही मेरा रिक्वेस्ट है कि पापा से प्रार्थना करिए कि हम जल्द से जल्द कोरोना संकट से बाहर निकले। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मुरजी पटेल जी, आप क्या मनोकामना करने वाले हैं? गणेश जी की स्थापना हो चुकी है, आप क्या मनोकामना करेंगे देशवासियों के लिए? मैं देशवासियों के लिए पापा से एक ही प्रार्थना करूंगा सर, कि हमारा देश जल्दी से जल्दी स्वस्थ और ये कोरोना के संकट से बाहर निकले, यही पापा से मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है। चलिए मुरजी पटेल जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी के नेता मुरजी पटेल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से गणेश जी का आगमन जो है महाराष्ट्र में और साथ ही साथ पूरे देश भर में हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गम जरूर है कि जिस तैयारियों से जो लोग स्वागत करते हैं गणेश जी का, वो इस बार नहीं कर पा रहे हैं। चर्चा को और साथ ही साथ इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Want to avoid stepping out for groceries? On Amazon Fresh, get fresh fruits, vegetables and household supplies delivered home safely for all your groceries with no contact delivery. On the Amazon app, search for Amazon Fresh. जो hidden charges लगाते हैं ना, वो बोलने से कतराते हैं। पर Muthoot Finance कुछ न चिपाए, चुटकी में गोल्ड लोन दिलवाए, कागजी कार्रवाई कम से कम, पल भर में काम खत्म। I'm telling you, gold loan is good. तो आज ही लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। 1-800-313-1212 पर फोन कीजिए। कुछ भी पी लो, आप तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बात कर रहे हैं गणेश चतुर्थी की, जिसकी आगमन जो है वो हो चुका है, और स्वागत के साथ साथ लोग जो है अपने घरों पर और अपने पंडालों पर गणेश जी की स्थापना जो है वो कर रहे हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से कई दिशा निर्देश राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हैं, जिनका पालन करते हुए लोग जो है वो अपने घर पर और अपने पंडालों पर गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं। तो इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर एसपी आहूजा जुड़े हुए हैं, जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुंबई अध्यक्ष है और साथ ही साथ समाज सेवक भी है। एसपी आहूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे? गणेश जी का आगमन हो चुका है। मैं तो यही बोलूंगा हमारे देशवासियों को, जो गणेश भक्त हैं जी, गणेश के आशीर्वाद में मानते हैं, गणेश का आशीर्वाद लेना चाहते हैं कि कुदरती बात है कि ये जो कोरोना का काल जो है और ये जो पेंडेमिक फैली हुई है जी विश्व भर में, उसके अंदर इनको अपने आप को संभाल के, अपने आप को
एक उसका उसकी परमात्मा की गणेश जी का भगवान का ही एक ये उनका एक सब करा कराया है और उनको अरदास करनी है, प्रार्थना करनी है, दुआ करनी है। हमारे में अरदास बोलते हैं कि हे गणेश गणेश के गणेश बापा, ये गणपति बापा जी, ये जो तकलीफ हमारे इस देश पे इस दुनिया पे आई है कह रहा है जी, इसको आपने ही निवारना है, आपने ही निवारना है, आपने ही खत्म करना है जी। तो आप इस महाकाल से महामारी से हमको आप निकालें और आपकी इस साल तो अगर हम नहीं पूरी सेवा कर सके अगले साल पूरी सेवा करेंगे, लेकिन जितना भी हो सके जी। मैं गणेश भक्तों को ये प्रार्थना करता हूँ, ये उनको उनकी मांग करता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घरों में बैठ के गणेश जी की सेवा अपने परिवार के साथ मिलके जी, क्योंकि भगवान तो हर जगह है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। तो इस साल को उसकी रजा समझ के, गणेश जी की रजामंदी समझ के, उनका ही एक ये उनको मतलब वो ही कर रहे हैं जी, तो घर में बैठ के वो चाहते मेरी सेवा हो, जो घर में बैठ के सेवा करे, जो भी अपनी पूजा पाठ है, आरती है, प्रसाद है, घर में बांटे और उसी को उसी हिसाब से मान के गणेश जी का आशीर्वाद ले उनका, और उनसे ये अरदास करे, ये दुआ करे कि अगले साल बिल्कुल सब सही हो जाए। आपकी जैसे हम पहले धूमधाम से ये मनाते थे त्योहार गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का, वैसे ही मनावे, उससे भी ज्यादा धूमधाम से हम मनाए उसको, ये मैं चाहता हूँ जी। इसके अलावा अहुजा जी, आप किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो गणेश भक्त आज पूरी भक्ति में लीन है, उनके लिए क्या शुभकामनाएं होगी? बस मैं यही चाहूंगा और यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि उनपे दुआ, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे, उनके परिवार पे, उनके रिश्तेदारों पे, लोगों के जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं जी, और उनके घरों में प्रॉस्पेरिटी, खुशी, सुख, लंबी आयु और सेहतमंद आयु जी, सबसे बड़ी बात है सेहतमंद आयु सबको बख्शे, सबको भगवान प्रदान करें। तो ये हिसाब से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह अपने भगवान की, गणेश जी की सेवा करते रहें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना काल का ये दौर चल रहा है, कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, कई व्यापार बंद हो गए हैं, आप खुद व्यापारी संगठन के अध्यक्ष हैं, तो किस तरह से प्रार्थना, क्या प्रार्थना करना चाहेंगे गणेश जी से कि आगे आने वाले दिन जो है इन सभी लोगों के लिए अच्छा हो, किस तरह से प्रार्थना करना चाहेंगे? भाई ये है कि हम तो समझते हैं, सभी समझ रहे हैं कि बहुत परेशान से हम सब निकल रहे हैं जी, खास करके आर्थिक जो परेशानी है, शारीरिक, फिजिकल, मेडिकल परेशानी तो है ही है, वो डर खौफ तो बना हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्योंकि रोजी रोटी का जहां तक सवाल है जी, जो जो लोगों की सेविंग थी, जो लोगों ने पैसे बचाए थे कोई और काम के लिए, अपने मेडिकल सुविधाओं के लिए, किसी अपने माँ बाप की सेवा के लिए, उनके मेडिकल के लिए, किसी बच्चे की शादी के लिए, वो पैसे भी लोगों के मेरे को समझने में आ रहा है और समझ भी आ रहा है जी, कि लोगों ने ये पैसा, चूंकि आगे पैसे नहीं आ रहे थे, कमाई नहीं थी, रोजगारी नहीं थी, वो पैसे भी इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, यहाँ लगा दिए जी। तो मैं तो ये उनको कहूंगा कि भाई हिम्मत नहीं हारनी है, तकलीफ आती है जिंदगी का ये मतलब जो जिंदगी को फेस करने का जो उत्साह है जी, या जो ताकत है वो उनके अंदर होने चाहिए, गट्स होने चाहिए कि जिंदगी को फेस कर, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन तो आना ही आना है, बिल्कुल। तो अपने हिम्मत को ना तोड़े, हिम्मत हौसला रखे कि जो उनको परेशानी आई है, जो आर्थिक परेशानी आई है जी, उससे भी वो निकल आएंगे और ये मतलब हिम्मत रखते हुए, विश्वास भरोसा रखते हुए और आगे भी काम करें, मेहनत करें, जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, नौकरी है, वो अपना करके उसको वापस कवर करें और अपने आप में संभाल के थोड़ा सा मतलब अपने डिप्रेशन में नहीं आवे, ज्यादा सोच में पड़ के डिप्रेशन करके अपनी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए जी, उस हिसाब से वापस पटरी पे आ सकते हैं, आत्महत्या भी कर ले रहे हैं बिल्कुल। तो मैं डिप्रेशन, इसलिए मैंने बोला डिप्रेशन भी नहीं आवे जी, जैसे कि आत्महत्या है या अपने आप को बीमार करके कमरे में बंद कर लेना जी, और ये जो डिप्रेशन की क्योंकि बीमारी है बहुत चलती है और ये ऐसे अक्सर ये केसों में हो जाता है जी, उससे दूर रखने के लिए अपने आप के अच्छे थॉट्स, अच्छे विचार, पाठ पूजा, जो भी उनके शौक है, जैसे घर में बैठ के कोई किसको गाने का शौक है, किसी को रियाज करने का शौक है, संगीत है, किसी को डांस का है जी, ये करके अपने आप का माइंड को डाइवर्ट करें, किसी को किताब पढ़ने का शौक है जी, ये करके अपने आप को उसमें बिजी रख रहे हैं जी, ये प्रॉब्लम नहीं आवे और तकलीफ नहीं आए, बीमारी नहीं आए जी। अहुजा जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, तो हमारे साथ एसपी अहुजा जी जुड़े हुए थे जो ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के मुंबई अध्यक्ष है और साथ ही साथ कपड़ा व्यापारी संगठन के भी मुंबई अध्यक्ष है। इसके अलावा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं संजय खंडागले जो
टाइगर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ समाज सेवक भी है। संजय जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और किस तरह से गणेश भक्तों को शुभकामनाएं देंगे? धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे गणेश भक्तों को? गणेश जी का आगमन हो चुका है, ऐसे में सभी गणेश भक्तों को क्या शुभकामनाएं होगी आपकी ओर से? सबसे पहले मैं तमाम भारतीयों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, हमारे टाइगर ग्रुप महाराष्ट्र के अध्यक्ष आदरणीय पहलवान तानाजी भाऊ जाधव इनकी तरफ से जी, और हमारे परिवार की तरफ से सभी भाइयों बहनों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, गणेश भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? गणेश भक्तों एवढंच मी बोलणे इच्छितोय जी की या कोरोनाच्या महामारीमुळे जी ज्या मंडळांनी प्रशासनाला सहकार्य केले जी, हर वर्षी प्रमाणे दर साल प्रमाणे गणेश तो मोठ्या ह्याच्यात साजरा करण्यात येतो, पण या पार्श्वभूमीवर, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळांनी चांगल्या पद्धतीमध्ये म्हणजे कुठे गर्दी न करता गणेश तो बसवण्यात आलेला आहे आणि गणेश भगवान जे आपले भगवान आहेत ते लवकरच या कोरोना महामारीला आपल्या सर्वांना संकटातून दूर होईल अशी मी गणपती चरणा प्रार्थना करतो। जी, इसके अलावा इस बार अफसोस है आपको संजय जी, क्योंकि गणेश जी का जिस तरह से आगमन होता था हर साल, उस उत्सव में कहीं ना कहीं कमी आई है, आपको लगता है? कमी तो आई है, लेकिन कैसा है कि ये महामारी के वजह से, कोरोना के महामारी की वजह से जो ये चल रहा है जी, तो मंडल भी सब जितने भी मंडल है मुंबई महाराष्ट्र के वो सब सहकारी सहयोग दे रहे हैं जी, और बहुत अच्छा मतलब मंडल का भी काम अच्छा है कि कोई परेशानी ना हो जी और उसका ध्यान रख रहे जी। इसके अलावा गणेश भक्तों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि इस बार क्योंकि कोरोना काल है, कई दिशा निर्देश सरकार द्वारा लागू किए गए हैं, तो उन्हें उनका पालन करें, क्या शुभकामनाएं आपकी ओर से? मैं यही मंडलों को यही मैं ये करूंगा जी कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रशासन को साथ दे रहे हो बिल्कुल, और आप गर्दी ना करे और सेफ रहे, अपने कुटुंब का ध्यान रखे जी और अपना ध्यान रखे जी। इसके अलावा संजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, गणेश जी से इस बार आप क्या मांगने वाले हैं देशभक्तों के लिए? गणेश बाप्पा को मैं यही बोलूंगा कि ये कोरोना मुक्त से ये देश अपने देश को जल्दी इस संकट से दूर करे जी, यही मैं गणपति से प्रार्थना करता हूँ। संजय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो हमारे साथ संजय खंडागले जी जुड़े हुए थे, जो टाइगर ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ समाज सेवक भी हैं। इसके अलावा बॉलीवुड से भी कई लोग हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। बॉलीवुड से सुचेता खन्ना हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ी हुई है, जो लापतागंज और साथ ही साथ शुभ मंगल सावधान जैसे कई सीरियल में अपनी बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती है। सुचेता जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से गणेश भक्तों को शुभकामनाएं देंगी? वेल, गणेश जी का जो जो गणेश भगवान है वो विघ्नहर्ता है जी। आज तक के जो कोविड का सिचुएशन है, सबकी यही उम्मीद है, सबकी यही प्रार्थना है कि गणपति बप्पा जो है वो सबके विघ्न जो है, इस पूरी दुनिया में जो विघ्न आए वो दूर करेंगे जी। बहुत आस्था और बहुत ही मतलब दिल से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब स्पेशली इस साल, बिकॉज इट्स वेरी इट्स बीन अ वेरी टफ ईयर, मतलब सबके लिए बहुत ही मुश्किल रही है, आर्थिक सिचुएशन या हेल्थ वाइज भी बहुत डिफिकल्ट हुआ है, तो यही प्रार्थना है कि विघ्नहर्ता जो है सबके विघ्न दूर करें जी। इसके अलावा गणेश भक्तों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उत्साह है, हर साल जो उत्साह देखने को मिलता है उसमें कमी आई है, हालांकि दिशा निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख जो है वो गणेश भक्तों के भीतर जरूर है कि गणेश जी का आगमन जिस तरह से किया जाता है उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस साल नहीं तो अगले साल जरूर करेंगे, लेकिन किस तरह से आप उनको हौसला देना चाहेंगे? वेल, यही कि सबसे बड़ी बात है कि गणपति बापा घर आए हैं, यू नो, विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब हो सकता है कि 100 लोगों के साथ 100 लोग साथ नहीं है, हो सकता है सबके घर में अलग अलग गणपति बापा आए हो, एक जो कलेक्टिव कम्युनिटी वाला गणपति बापा वो बहुत कम हो गया है, बट दिल की बात है, आप दिल से ही प्रार्थना करो, चाहे वो कम्युनिटी के साथ हो, हाँ मतलब मस्ती मजाक डांस गाना, मतलब जो खुशियां हैं वो उस तरह से नहीं मना पाएंगे, बट इट्स ऑलवेज, ये सिर्फ एक साल है यार, गॉड ग्रेस, गणपति बापा अगर सब ठीक कर देंगे तो अगले साल और धूमधमाके से होगा। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे अगर जानना चाहे तो आप क्या कुछ मांगने वाली है इस बार गणेश जी से? जो भी दिया है भगवान ने मुझे बहुत बहुत दिया है, और मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, एंड
बहुत बड़ा धन्यवाद कहना चाहूंगी पापा को कि जो भी किया है आज तक मेरे लाइफ में मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कोई शिकायत नहीं। इसके अलावा देशभक्तों के लिए क्या मांगना चाहेंगे, गणेश भक्तों के लिए क्या मांगना चाहेंगे? यही बोलूंगी कि जो प्रॉब्लम चल रही है अभी, हर एक जो बंदा है अंदर अंदर टूटा हुआ है, अंदर ही अंदर टूटा हुआ, चाहे बिकॉज काम बंद है या आर्थिक सिचुएशन ठीक नहीं है, घर में चीजें नहीं है, जैसे जीना चाह रहे हैं वैसे जी नहीं पा रहे हैं, बस यही यही प्रार्थना है मेरी कि यू नो सबका भला हो जी। उतना ही मतलब और क्या बोलूं मैं जी। जय सुचिता जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और तो सुचिता हमारे साथ जुड़ी हुई थी फोन लाइन पर, इसके अलावा अनारा गुप्ता भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। अनारा जी, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी गणेश भक्तों को? सबसे पहले तो यही कहूंगी कि अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए जी, और जो नियम है, क्योंकि अभी हम कोरोना वायरस से मुक्त नहीं हुए हैं जी, तो जो जो जरूरी चीजें हैं, मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश करना और अपने आसपास सफाई बनाए रखना और दूरी बनाए रखना एक दूसरे से, वो हम लोग फॉलोअप करके अगर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है जी। और गणेश चतुर्थी डेफिनेटली हम स्पेशली हम लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार होता है, और हर साल जिस तरह की धूमधाम होती है जी, इस साल वैसी धूमधाम नहीं है जी, लेकिन मैं यही दुआ करूंगी। वो कमी महसूस हो रही है आपको, वो जो कमी होती है हर साल की तुलना में इस बार, वो कमी आपको कहीं महसूस कर रही जी? बिल्कुल, उसका रीजन ये है कि हम सब जैसे बीइंग एक्टर, हम लोग अगर पूरा साल नहीं मिल पाते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो एक ये दिन होता है कि हम दोस्त एक्टर्स जो नहीं मिल पाते बहुत टाइम से, वो इस दिन हम लोग एक दूसरे को इनवाइट करके मिल लेते हैं जी। बट इस टाइम क्योंकि COVID-19 का खतरा है जी, तो हम सबको इनवाइट नहीं कर सकते हैं, सो नहीं मिल पा रहे हैं। वो डेफिनेटली वो जो धूम होती है बाहर, और वो नहीं है, लाल बाग का राजा नहीं बैठे हैं इस साल, तो डेफिनेटली हो रही है कमी महसूस, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि पप्पा आए हैं और जब जाए तो ये COVID-19 का जो कहराव है जो पूरे विश्व में फैला है, वो अपने साथ ले जाए और हमें हमारे विश्व को इससे मुक्ति दिलाए जी। फिलहाल जिस तरह की सिचुएशंस है अनारा जी, और जो गणेश भक्त है वो कहीं ना कहीं मायूस है, तो उन्हें किस तरह से आप दिलासा देंगे कि क्योंकि हर साल गणेश जी का जो है गणेश चतुर्थी आएगी, इस साल नहीं हम मना पा रहे तो अगले साल इससे ज्यादा जोश में मना सकते हैं? डेफिनेटली, तो किस तरह से आप जोश भरना चाहेंगे तमाम गणेश भक्तों को? जोश यही है कि गणपति बप्पा मोरिया जोर से चिल्लाओ, और जी हाँ, इस साल हम उतने धूमधाम से नहीं मना पा रहे हैं, क्योंकि कल मैं भी गणपति जी लेके आई हूँ, कोई ढोल नहीं, कोई कुछ नहीं, शांति से बप्पा को अपनी गाड़ी में बिठाया और लेके आ गए, और मैं इको फ्रेंडली बप्पा लाई हूँ, मैं अपने घर पे ही उनका विसर्जन करूंगी। तो हाँ, इस साल बहुत सारी चीजें जो है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं जो नहीं बन पाएंगे, बट यस, अगले साल फिर बप्पा आएंगे, जो कमी इस साल रह गई है वो नेक्स्ट ईयर हम पूरे धूमधाम से शोर शराबे के साथ बप्पा को लाएंगे। ये साल थोड़ा क्रूशियल है हम सबके लिए, नहीं विश्व में, पूरे वर्ल्ड में इस साल ये जो है बहुत खतरनाक है, तो अगर हम अपनी जान बचा लें, अपने आसपास के लोगों की जान बचा लें, वही बहुत है इस साल, और भगवान भी यही चाहेगा कि आप मुझे लाने से बेहतर है कि अपने आप को सुरक्षित रखिए और अपने बड़ों बुजुर्गों का, अपने बच्चों का जो भी आसपास है उनका ध्यान ज्यादा रखिए, क्योंकि उनको ज्यादा खतरा है जी। इसके अलावा सुबह से ही हम लगातार सेलिब्रिटीज से और पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, वो सभी एक ही कामना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है, गणेश जी जब जाएंगे तो इस बार कोरोना को अपने साथ ले जाए। इसके अलावा आप क्या मांगना चाहेंगी गणेश जी से, क्या आपकी मनोकामना होगी? देखिए, इस वक्त सबसे जरूरी तो यही है जो COVID-19 है, क्योंकि मेरी तरह आई थिंक हम किसी ने भी नहीं, आपने भी शायद कभी नहीं सोचा था कि एक समय ऐसा आएगा कि हम घर में बंद हो जाएंगे 5 महीने के लिए और किसी से मिल नहीं पाएंगे। मैं तो पिछले 5 महीने से अपनी फैमिली से नहीं मिल पाई, मैं बॉम्बे में ही हूँ, मैं जम्मू नहीं जा पाई, तो कभी किसी ने नहीं सोचा होगा इस समय के लिए। तो आई जस्ट विश एंड आई प्रे, करती हूँ दोनों हाथ जोड़ के भगवान जी को कि गणपति बप्पा इसको ले जाइए, बस हमारे पूरे वर्ल्ड को इससे मुक्ति दिला दीजिए। अगले साल तो बाकी चीजें तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो कर ही रहे हैं, ये थोड़ा मुश्किल समय है, ये थोड़ा कट जाए, और क्योंकि कोई ना कोई बैड न्यूज साथ के साथ मिलती रहती है, कहीं कोई आग लग गई, कहीं कोई धमाका हो गया, कुछ ना कुछ हो ही रहा है इस साल, तो बस ये साल सुख शांति से भगवान निकाल दे, बस यही मेरी प्रार्थना है। और जिस तरह से चीजें हो रही है वो बस
चीजें ना हो, कोई भी बुरी खबर ना सुनने को मिले, क्योंकि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बुरी खबर ही सुन रहे हैं इस साल हम लोग, तो वो ना हो बस मैं चाहती हूँ जी। लास्टली अनारा जी, अपने जो तमाम जो फैंस है आपके, उनको क्या विश करना चाहेंगी, गणेश जी की चतुर्थी की शुभकामनाएं किस तरह से विश करना चाहेंगी? उन सबको ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज सारी चीजों का, जो भी अभी तक हम इस कोविड 19 से मुक्त नहीं हुए हैं जी, अभी भी चल रहा है, तो प्लीज जो भी इंस्ट्रक्शंस है गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें जो जो चीजों का पालन करना है वो करिए, उनके उस दायरे में रहते हुए इस त्योहार को मनाइए। मुझे पता है कि हम लोगों का जोश उस लेवल का नहीं है इस बार, लेकिन अगले साल बप्पा आएंगे, धूम धड़ाके से लाएंगे उनको, और जोर से बोलो गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। जी बिल्कुल, तो इस साल भले ही नहीं मना पा रहा है, तो अगले साल इससे ज्यादा जोश में जो है वो गणेश जी की स्थापना करेंगे और गणपति बप्पा मोरिया को वापस एक बार जोर से नारे के साथ लगाएंगे, और साथ ही साथ सभी जो दर्शक है वो इस आस में जरूर है कि इस बार ना सही लेकिन अगले साल जब गणेश जी आएंगे तो उनके स्वागत के लिए इससे कई ज्यादा गुना जो तैयारियां है वो की जाएगी। अनारा जी, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी गणेश चतुर्थी आपको जी। आपको तो अनारा गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुई थी, जिन्होंने यही कहा कि इस साल ना सही लेकिन अगले साल जब गणेश जी आएंगे तो उनकी स्वागत में पूरी तैयारियां जो है वो की जाएगी। हालांकि कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं रंग जो है वो फीका जरूर पड़ रहा है, लेकिन लोगों का जोश भीतर से अब भी उतना ही है जितना हर साल रहता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, तो मुझे निसलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।